एक्टर गुरुचरण सिंह की तलाश में पुलिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पहुंची और शो के एक्टर्स और प्रोड्यूसर से पूछताछ की। पुलिस का सामना यहां एक कड़वे सच से हुआ, जिसे सुनकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा। गुरुचरण अब तक लापता हैं। 22 अप्रैल को गुरुचरण दिल्ली में अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। हाल ही में पुलिस उस तारक मेहता शो के सेट पर पहुंची जहां से गुरुचरण मशहूर हुए। इसी शो में गुरुचरण ने सालों तक काम किया और वो दर्शकों के दिलों में बस गए। गुरुचरण के बारे में पुलिस ने कई एक्टर्स से बात की, हर किसी ने पुलिस के साथ कॉपरेट भी किया। जितनी जानकारी जिसके पास थी वो उन्होंने पुलिस को दे दी। पुलिस ने शो के कर्ता धर्ता से भी ये जानने की कोशिश की कि गुरुचरण का कोई बकाया तो नहीं था, शो छोड़ने के बाद उनकी कोई फीस तो नहीं रोकी गई थी। हालांकि पुलिस को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि गुरुचरण के साथ उनका कोई भी साथी एक्टर टच में नहीं था। सभी ने गुरुचरण के साथ सालों तक काम किया, सेट पर सब परिवार की तरह रहते थे। उनका ज्यादातर दिन सेट पर एक्टर्स के साथ ही बीतता था, लेकिन शो छोड़ने के बाद कई एक्टर्स ने तो उनसे कभी बात ही नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते इतने कच्चे होते हैं, ऐसा पुलिस ने भी नहीं सोचा था। गुरुचरण ने तारक मेहता शो में एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 सालों तक काम किया। इतने साल काम करने के बाद भी शो के एक्टर्स उनके करीब नहीं रहे। जब तक वो शो का हिस्सा थे, एक्टर्स उनसे बातचीत करते थे। शो छोड़ने के बाद एक्टर्स ने उनसे मतलब नहीं रखा। पुलिस को पता चला कि गुरुचरण की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उनके नाम पर 10 क्रेडिट कार्ड थे, वो एक से पैसा निकालकर दूसरे का पैसा चुकाते थे। पुलिस गुरुचरण की तलाश में लगातार खाक छान रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।